Now let's see that we know study of economics is divided into two parts, micro and macro. Okay. Ranger Fritsch of Oslo University was the first to use the term micro and macro in economics in 1933. अब इसमें रेंजर फ्रिश का नाम भी याद रखना है और ईयर भी याद रखना है कि 1933 में उन्होंने वो फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने ये वर्ड यूज़ किए थे माइक्रो एंड मैक्रो इन द ईयर 1933. और किसने फर्स्ट टाइम ये यूज़ करे थे? आर ए जी एन ए आर रिग्नर फ्रिश, एफ आर आई एस सी एच. तो ये हमको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है, किसने फर्स्ट टाइम यूज किया वर्ड माइक्रो और मैक्रो? रिग्नर फ्रिश. ओके, माइक्रो. अब माइक्रो को ध्यान से देखो, एम आई सी आर ओ. माइक्रो का जो आई है ना, दैट स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल. ओके, इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल यूनिट की स्टडी, दैट इज इंडिविजुअल. अब देखते हैं मैक्रो, एम ए सी आर ओ. मैक्रो में ए उठाओ, ए क्या बताता है? एग्रीगेट. और एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? टोटल. ए जी जी आर ई जी ए टी ई एग्रीगेट. एग्रीगेट मीन्स टोटल. तो जब टोटल की स्टडी करेंगे तब क्या बोलेंगे उसे? मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज एग्रीगेट की स्टडी. ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट. ओके, माइक्रो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, ये हमने पहले पढ़ा. मैक्रो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, ये भी पढ़ा. माइक्रोस मीन्स स्मॉल, मैक्रोस मीन्स लार्ज. अब ये एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज स्लाइसिंग मेथड? एग्जाम का क्वेश्चन मीन्स आइदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, यू हैव टू पे अटेंशन, और इट हैज ऑलरेडी कम इन बोर्ड एग्जाम्स. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लाइसिंग मेथड? मेरे केक का एग्जाम्पल याद करो, पूरा केक और उसका एक स्लाइस. पूरे केक का स्टडी नहीं किया, सिर्फ एक ये स्लाइस का स्टडी किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइसिंग मेथड, दैट इज स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट. इस यूनिट का अलग से स्टडी हो रहा है, सेपरेटली इन डिटेल एक ही यूनिट का स्टडी हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्लाइसिंग मेथड. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्प्लिट्स द इकोनॉमी इन स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स. वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या यूज कर रहे हो एक लाइन के आंसर के लिए. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स जो स्प्लिट करती है इकोनॉमी को इंटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल. मैं पूरे केक की स्टडी नहीं करूँगी, ये स्मॉल इंडिविजुअल स्लाइस की सेपरेटली स्टडी करूँगी इन डिटेल, दैट इज द स्लाइसिंग मेथड. एक बार और रिवाइज करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्प्लिट्स द इकोनॉमी इंटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल, दैट इज द called as the slicing method.